एक्शन टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त बिद्दुपुर के चक ठकुरसी कुसियारी पंचायत में हमारी टीम आई हुई है। यहां पे पिछले 5 वर्षों से अगर देखा जाए तो पंचायत का लोगों का मानना है कि कई तरह की यहां पे योजनाएं जो है विकास की लोगों तक पहुंची है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत में उतना वर्क नहीं हो पाया, लेकिन अभी हमारे साथ शिव नारायण जी जो यहाँ से मुखिया हैं सीधे हमसे जुड़ गए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव में इस बार इनकी तैयारियां किस प्रकार की जा रही है, पंचायत में पिछले 5 वर्षों में पंचायत का कितना विकास हुआ, यहाँ का कितने लोगों को जो है सुविधा मुहैया हुआ पंचायत में। चूँकि ज़्यादातर पंचायतों में देखा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएँ अधूरी रह गई, हालाँकि जो परामर्श समिति का गठन होना चाहिए तो बहुत जगह पर नहीं हो पाया चूँकि सब लोग तैयारी में लग गए हैं, लेकिन यहाँ का क्या कुछ सिचुएशन है। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका सर। आप लोग पहले हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए, मैं इसलिए आपको इंडिया टीवी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आप तो यहाँ पे मुखिया हैं, अगर देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में आपके द्वारा पंचायत का कितना क्या कुछ विकास हुआ? मैं जब से मुखिया हुआ हूँ यहाँ पर ग्राम पंचायत है चक ठकुरसी कुसियारी के अंतर्गत जी, तो जो विकास का काम है वो पूरी जमीन पर दिख रहा है। जो यहाँ की जनता है, चाहे यहाँ के जो आम लोग हैं, चाहे ब्लॉक के जो लोग हैं, वो सभी लोग जान रहे हैं जहाँ विकास हुआ है। और जो विकास की धारा है उसको हमने तीव्र गति से आम जनता तक पहुँचाने का काम किए हैं। और मुख्य रूप से जो सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना है, उसके बाद गली नली पक्कीकरण योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं को हमने धरातल पे उतार के और ग्राम पंचायत चक ठकुरसी कुसियारी के विकास में 4 चांद लगाने का काम किए हैं। अगर योजना की बात करते हैं तो पंचायतों में बहुत सारी फंड जो है सरकार के द्वारा मुहैया हुआ, खासकर 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, ये जो है हाईलाइटिंग में रहा, सरकार के प्रमुख योजनाओं में से एक है पंचायत के विकास के लिए। इन दोनों योजना की बात करते हैं तो यहाँ का क्या कुछ माहौल है, कितना काम हुआ इन दोनों चीज़ों में? मुख्य रूप से जो सरकार का इस साल के 5 वर्षीय योजना में मुख्यमंत्री जी का जो पंचायत के अंतर्गत योजना थी, वह मुख्य रूप से था जो 7 निश्चय योजना, जिसमें 7 निश्चय योजना में हर घर नल से जल और मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण योजना, 2 योजना थी 7 निश्चय योजना में। वो हमारे पंचायत में हम अपने तरफ से और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को मिलाकर अपने पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में आज के डेट में सभी जगह हर घर नल से जल योजना चालू है और गली नली पक्कीकरण योजना में लगभग 9 से 10 वार्ड में कार्य हो चुका है। और गली नली पक्कीकरण योजना में सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ पंचायत में बचा हुआ है गली नली योजना जी। अच्छा, ये अगर बात करते हैं परामर्श समिति का, परामर्श समिति का बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे गठन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हुआ है कि नहीं? जैसे मैं आपको पहले बता दूँ, सरकार का जो चुनाव होता है पंचायती राज में, वो 5 साल का टेंडर होता है। 5 साल टेंडर खत्म होने के बाद सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया 6 महीना एक्सटेंशन करने का, उसमें जो संचालन करने का तरीका सरकार का जो गाइडलाइन था उसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। परामर्श समिति की गठन करना था उसमें कोई विशेष था नहीं, चूँकि ऑलरेडी जो मुखिया होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं पंचायत के, तो सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया और जो वार्ड सदस्य हैं उसका सदस्य हैं तो ऑलरेडी सदस्य ही हैं। वह एक समझिए जो कागजी खाना पूर्ति है, तो इसमें मतलब अगर हाँ है, उसके तो लिए उसके लिए खाना पूर्ति के लिए हमने सभी वार्ड सदस्य को बुलाए हैं, सभी पंचायत सचिव को बुलाए हैं और जिस समय सरकार के द्वारा डेट निर्धारित किया गया उस डेट में ही हम लोगों ने परामर्श समिति का गठन करके सभी उसका कागजी प्रक्रिया ब्लॉक में भेज दिए हैं और उसी के अंतर्गत अभी पंचायत के विकास का कार्य हो रहा है। अच्छा, तो अभी जो पंचायत का विकास का कार्य होता है तो उसमें आप मुखिया लिखते हैं या फिर परामर्श समिति के अध्यक्ष लिखते हैं? परामर्श समिति के अध्यक्ष लिखते हैं हम लोग, है ना जी। अच्छा, ये अभी पंचायत सरकार भवन के लिए कहा जा रहा है कि आपके पंचायत में स्वीकृत हो गया है, कितने नंबर वार्ड में हुआ है? मैं आपको बता दूं, पंचायत सरकार भवन के लिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आते रहा उसमें बहुत बार बदलाव होते रहा, उसके अंतर्गत हमने भरपूर प्रयास करके अपने स्तर से जमीन पहले तो मुहैया कराएं, जमीन मुहैया कराने के बाद फाइल भेजे DDC के यहाँ और DCLR के यहाँ, फिर उसके बाद फिर सरकार के नियम आए जो नहीं भाई पंचायती राज से फाइल जाएगा, फिर हमने उन्हें तैयार करके पंचायती राज से फाइल भेजवाए हैं। उसका मिट्टी जांच भी हो चुका है हमारे ग्राम पंचायत का, जो वह 8 नंबर वार्ड में ग्राम गुड़िसमा में पड़ता है और उसका टेक्निकल सेक्शन होकर भी
जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ आ गया है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी कुछ ही दिनों में पंचायत को वह फाइल रिटर्न करेंगे और राशि उपलब्ध कराएंगे पंचायत के और पंचायत सरकार बनने का कार्य शुरू हो जाएगा। ये तो विकास की योजना की बात हो गई। अगर यहाँ की बात करते हैं तो जो विरोधी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि पंचायत में जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी का काम तो है जो विरोध करना, लेकिन जो धरातल पर जो काम किए हैं वो जनता के आंखों के सामने हैं मुख्य रूप से, और जनता से डायरेक्ट आप जाके पूछेगा तो जनता कहेगा जी एक विकास हुआ है ग्राम पंचायत है चकठकुरसी कुशियारी के विकास में। हमने मेरा पूरा परिवार पूरा जीवन न्यौछावर किए हैं और ये वित्तीय वर्ष में हमने युवा होने के नाते साथ ही और हम अपना पूरा ज्ञान धन बल और से विद्या से पूरे परिवार के साथ पूरे ग्राम पंचायत चकठकुरसी के विकास में पंचायत कर के विकास में भरपूर प्रयास किए हैं और भरपूर विकास हुआ है मुख्य रूप से। और विकास की बात मैं बता दूँ, अगर विकास की बात करते हैं तो चूंकि गिनती कराएंगे तो आपके पास समय नहीं है जो कितना विकास हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो बताया जो पंचायत सरकार भवन है पूरा बिद्दुपुर ब्लॉक में चकठकुरसी कुशियारी पंचायत ही है एक जो प्रथम जमीन उपलब्ध कराया है पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, और मेरा ही फाइल अभी तक गया है। और जो पहले कुछ पंचायत में बना है वो सरकार के द्वारा टेंडर के माध्यम से बना है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब से सरकार घोषणा किया जब पंचायत ही बनाएगी पंचायत सरकार भवन, तो उससे पहले पूरा बिद्दुपुर ब्लॉक में सर्वप्रथम पंचायत में जमीन उपलब्ध कराने वाला मुखिया शिवनारायण राय है, और हमने उपलब्ध करा के चूँकि सरकार की व्यवस्था उसमें थोड़ा समय लगा है, लेकिन वो अब पंचायत सरकार भवन जल्द ही पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए बनके तैयार हो जाएगा और पंचायत के किसी भी लोगों को ब्लॉक या जिला में जाने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही पंचायत सरकार भवन के अंतर्गत सारे काम हो जाएंगे। ये इस बार कोरोना काल तो समाप्त हो गया, लेकिन लगातार सरकार का डिटेन हुआ पंचायत चुनाव को लेकर, इस बार बाढ़ जैसी स्थिति में जो है चुनाव हो रहा है होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, सरकार का निर्णय सही है? देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 5 साल पे चुनाव होता है तो 5 साल पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो कोरोना महामारी है वो विश्व कोरोना महामारी है, इसमें सभी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, और इस पर सरकार ने जो एक्सटेंशन दिया है हम लोगों को 6 महीने का परामर्शी समिति के अध्यक्ष रहते हुए, वो सरकार का ये फैसला ठीक है, लेकिन अभी बाढ़ का दौर चल रहा है तो बाढ़ का दौर सभी जगह नहीं है, सभी पंचायत या सभी ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित नहीं है, जहां बाढ़ से प्रभावित ब्लॉक नहीं है, जो जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं है वहां चुनाव होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, ये इस बार चुनाव से क्या उम्मीदें हैं, फिर से आप चुनाव जीतेंगे, जनता से उम्मीद है यहां के लोगों से? मैं ग्राम पंचायत चकठकुरसी कुशियारी के परामर्श समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस बार फिर चुनाव हो रहा है, मैं तो पहले अपने तरफ से इस ग्राम पंचायत चकठकुरसी की तमाम जनता को तहे दिल से धन्यवाद वंदन प्रणाम करना चाहता हूं, और फिर आशा भी रखते हैं कि यही महान जनता हम लोगों को फिर लेकर पंचायत में आए, मैं उनका सेवा करूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवनारायण जी जुड़ गए थे हमसे, चकठकुरसी कुशियारी पंचायत के मुखिया हैं और अभी देखा जाए तो परामर्श समिति के अध्यक्ष भी। तो यहाँ पे इनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि पंचायत में 5 वर्षों में हमने इतना विकास किया है जितना किसी पंचायत में विकास नहीं हुआ है, लेकिन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वाकई में पंचायत का विकास सही रूप से हुआ है या नहीं, क्योंकि कई ऐसे सड़कें हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उसका जो स्थिति है अभी खस्ता हाल है, हालांकि ये इनके अंडर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रोड है उससे लोग नाखुश है, और पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं नेशन टीवी पे कि पंचायत